जनपद हापुड़ में देवव्रत त्यागी बसपा प्रत्याशी मेरठ हापुड़ लोकसभा का हापुड़ में कार्यकर्ताओं ने किया फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत। काफी तादाद में समर्थक आए नजर। कई अहम मुद्दों पर की बातचीत, पत्रकारों से हुए रूबरू। नौशाद अहमद के साथ संवाददाता दिलशाद अहमद की खास रिपोर्ट। और ये बहुत सारे सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, ओल्ड एज होम का, बहुत सारे मुद्दे हैं। और इससे सबसे एक मुद्दा है जो आज की तरह का हमारे समाज का विकट किया जा रहा है, इसे बांटा जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी पहली हमारी पार्टी का नियम है, हम आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, हम लोग जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाते, साथ चल के एक दूसरे का हाथ पढ़ के चलने में विश्वास करते हैं, साथ ले जाने में विश्वास करते हैं। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार इतनी रोजगार दे रही है और आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कौन सी रोजगार दे रही है मोदी सरकार, आप बताइए ना, कौन सी रोजगार, आप बताइए ना, आप बताओगे, आप करेंगे रोजगार दे, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं देने देंगे, आप बताइए कौन सी रोजगार दे रही है, आपको लगता है मोदी सरकार रोजगार दे रही है, आप बढ़ रही है, आप मुझे बताइए ना, लेकिन वो टीवी पे प्रचार कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, सर कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता आपको, ठीक है, आज की तारीख में जो सैनिक भर्ती होती है उनका भी जामा 4 साल की नौकरी कर देगा, ठाके इससे काम चल जाएगा, किसी आदमी का 5 करोड़ राशन दे के 2.5 करोड़ दान दे के किसी परिवार का गुजारा नहीं होता, गुजारा होता है उसे रोजगार दे के, उसे आगे चुनाव में आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? हमारी किसी कोई टक्कर नहीं, हमारी किसी कोई टक्कर नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर जनता आपको यह जिता कर लाती है तो जनता के लिए योजना क्या क्या रहेंगे? मैंने आपको बताया ना, मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं मुझे आम आदमी तरह बीच में रहेगा, जनता के लिए काम करना है, जो भी समस्याएँ टाइम टू टाइम आएगी मैं उसे सुलझाऊंगा और जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करूँगा। बिल्कुल ये आवाज जनता की आवाज है, जैसे आप आवाज उठा रहे हैं, बेड़ा कर रखा हमने 100% मुझे आवाज उठाऊंगा आगे चलते, आज मेरी आवाज सिर्फ चंद्रों के बीच में रह जाती है, अगर जनता ने मुझे मौका दिया चुनके भेजा तो सारे देश में आवाज मिलेगी।